हमारे लोकप्रिय सांसद माननीय ज्ञानेश्वर जी पाटिल जी से वे आए और अतिथि गणों का, हमारे माननीय नितिन जी गडकरी जी का, यशस्वी मुख्यमंत्री जी का, प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत के माध्यम से उद्बोधन देंगे माननीय ज्ञानेश्वर जी पाटिल जी। बोलो भारत माता की, नर्मदा मैया की, ओमकार महाराज की, संत सिंगा महाराज की, दादा धुनी वाले की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। आज हमारे दादा धुनी वाले की पावन धरा पर भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत करने के लिए हमारे देश के यशस्वी सड़क एवं परिवहन मंत्री माननीय नितिन गडकरी जी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के मुखिया माननीय बीडी शर्मा जी भाई साहब का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे प्रदेश की यशस्वी कैबिनेट मंत्री और खंडवा जिले की प्रभारी मंत्री आदरणीय उषा दीदी का स्वागत करता हूं। हमारे जल संसाधन मंत्री आदरणीय तुलसी सिलावट जी का स्वागत करता हूं। हमारे संगठन के मंत्री माननीय नित्यानंद जी भाई साहब का स्वागत करता हूं। मंच पर उपस्थित सभी हमारे सम्माननीय जनप्रतिनिधि, सम्माननीय पदाधिकारी, सामने बैठे हमारे सभी निमाड़ की शानदार और जानदार जनता जनार्दन, मातृशक्ति प्रणाम करता हूं। माननीय गडकरी जी, आपने हमारे निमाड़ ही नहीं, पूरे इंदौर से इच्छापुर तक जो सड़क परिवहन के माध्यम से जो सड़क देने का काम किया है, निश्चित रूप से अभी तक के 6 घंटे लगते हैं, लेकिन ये सड़क पूर्ण होने के बाद आधा समय हमारा बचेगा। हमने जब जब आपके सामने जो भी समस्या रखी है, जो मांग करी है, आपने हमारी मांग को ध्यान में रखते हुए हमारे क्षेत्र के लिए आपने सौगातें देने का काम किया है। मैं माननीय गडकरी जी के लिए धन्यवाद भी देना चाहता हूँ कि आपने हमारे सरकार के सड़कों का जाल बिछाने का काम किया ही किया है, लेकिन गडकरी जी ऐसे हमारे देश के मंत्री है जिन्होंने जिस तरह से एयरपोर्ट पे रनवे होता है उसी तरह से सड़कों पर भी प्लेन उतरे, इस तरह से रोड का जाल बिछाने का काम किया है। मैंने जो मांगा है आपने दिया है। मैं अभी आपसे एक और मांग करना चाहता हूँ कि हमारे बैतूल से लेकर जो सड़क आना है, जो रूदी से लेकर देशगांव तक की सड़क आपने स्वीकृत कर दी है, लेकिन रूदी से लेकर तो जो खंडवा की सबसे बड़ी समस्या रहती है बाईपास की, उस बाईपास की समस्या का भी समाधान यदि कोई कर सकते तो आप कर देंगे, और रूदी से लेकर तो डुलार फाटे तक के स्वीकृत कर देंगे तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ की बहुत बड़ी समस्या का समाधान होगा। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लगातार आपने सड़कों का जाल बिछाया, उसी के साथ साथ हमारे बुरहानपुर में भी साहब जलगांव जामोद से बुरहानपुर की सड़क की भी बहुत दिनों से मांग चली आ रही है। आपने जलगांव जामोद तक तो 4 लेन स्वीकृत कर दिया है, लेकिन जलगांव जामोद से बुरहानपुर की दूरी मात्र 50 किलोमीटर है, उस 50 किलोमीटर की सड़क को भी आप स्वीकृत करेंगे तो निश्चित रूप से जो अकोला से बुरहानपुर का मार्ग है वो 50 किलोमीटर की दूरी उसके कम होगी, और बुरहानपुर से लेकर तो जो हमारे निमोला फाटे तक है उस रोड को भी आप स्वीकृत करेंगे तो निश्चित रूप से निमाड़ के लिए बहुत बड़ी सौगात होगी। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारे गरीबों के कल्याण के लिए जो लगातार योजना बनाकर काम कर रहे हैं, जो देश का मान सम्मान बढ़ाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, आज घर घर तक नल से पानी यदि पहुंचाने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी की शिवराज जी की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने किया है, और जो पक्की छत के मकान देने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार ने और शिवराज जी की सरकार ने देने का काम किया है। गरीबों के स्वास्थ्य की चिंता यदि कोई कर रहे हैं तो हमारी सरकार कर रही है, और किसानों को समृद्ध बनाने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने और माननीय मुख्यमंत्री ने 6,000 रुपए देने का काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने हमारे इस निमाड़ को एक नहीं अनेक सौगातें देने का काम किया है। आज हमारे किसानों के चेहरे पर जो चमक है उस चमक को लाने का यदि काम किसी ने किया है तो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने किया है। आज माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि हमारे निमाड़ के जनप्रतिनिधि ने जो आपको मांगा है आपने दिया है, आपने और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारे खंडवा शहर की जनता को 137 करोड़ की जल आवर्धन योजना 2 को स्वीकृत करने का काम किया है, और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारे रेलवे स्टेशन के सुदृढ़ीकरण के लिए लगभग 300 करोड़ रुपए की स्वीकृति की भी मंजूरी दी है, तो हमने जो मांगा है आपने दिया है। लगभग 80% हमारे किसानों के खेत तक पानी पहुंचाने का काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है।
चाहे खंडवा उद्वहन सिंचाई की बात हो, चाहे झिरना उद्वहन सिंचाई की बात हो, चाहे हाटपिपला उद्वहन सिंचाई की बात हो, जो दो वर्ष पूर्व जो हम सब लोगों ने आपके सामने मांग रखी थी, उस मांग को भी आपने पूरा किया है। और हमारे किसान को समृद्ध बनाने के लिए जो आपने लगातार किसान के खेत तक पानी पहुंचाने के लिए जो सिंचाई योजनाओं की स्वीकृति दी है, हमारी जनता, हमारे निमाड़ आपका हमेशा ऋणी रहेगा। और मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि निमाड़ की धरती से जो जन आशीर्वाद यात्रा यहां से शुरुआत हो रही है, तो निमाड़ ही नहीं पूरा इंदौर मालवा संभाग भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने के लिए तैयार बैठा है। लगातार पांचवी बार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। मैं आप सब लोगों से यही मांग करना चाहता हूं कि आपका आशीर्वाद, आपका प्यार, हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः पांचवी बार बने, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान बने और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी तीसरी बार यहां से जीत के लिए हम सब लोग आशीर्वाद उनको भी दे और हम सब लोगों पर आपका आशीर्वाद बने। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।